गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गुरसाना। नाउ वी स्टार्ट अवर 10th क्लास थर्ड चैप्टर ग्रोइंग अप पेन। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे अपने। टू पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या था इस चैप्टर के अंदर? एडोलसन एज के बारे में ये चैप्टर है कि एक बच्चा जब एडल्ट हो रहा है, यानी कि 13-14 एज की जब एज में आता है, तो उससे क्या है कि उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया, मेरे पेरेंट्स को मेरे किसी भी डिसीजन के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो और उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, उसकी आवाज चेंज होना, तो उसे थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा निराश हो जाता है। तो इस वो भी ये भी अपने पेरेंट्स से नाराज है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान रखें, मेरी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, उन्हें ये समझना चाहिए कि मैं बड़ा हो गया, मुझे प्राइवेसी की जरूरत है। तो अब वो क्या है, एक तरफ उसके पेरेंट पापा बोलते हैं जब वो गिरता है कि तुम बड़े हो गए हो, चोट लगी है तो दर्द रहना सीखो। दूसरी तरफ जो वो पार्टी में जाने के लिए बोलता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि पार्टी का में जा सकते हो, इतनी देर तक बाहर रह सकते हो, अपना अच्छा भला खुद सो सकते हो। तो वो कंफ्यूज है कि एक इंसान तो ये बोलता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि ये काम कर सकते हो, दूसरा ये बोलता है कि तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, तो मैं बड़ा हूं या नहीं हूं। तो अब आगे देखो कि पार्टी में जाने से उसकी माँ उसे बोल देती है कि इतने बजे से पहले वापस आ जाना है, और उसका लास्ट फैसला है। तो ये क्या करता है, गुस्सा हो जाता है, पैर पकड़ता है, शी हैज हर वे, वो अपने रास्ते पे चल देती है, यानी कि जो काम कर रही है, जो कर रही है वो उसी पे रहती है। आई मिस द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा पाता, यानी कि शी हैज हर वे, उन्हें अपना ही रास्ता अपनाना है, जो मैंने कह दिया वो हमें करना है। आई मिस द पार्टी, इसी वजह से मैंने अपनी पार्टी मिस कर दी, यानी कि मैं पार्टी में नहीं जा पाया। बट इट डज नॉट इंडियर हर, लेकिन ये उसके लिए असहनीय नहीं था। इट डज नॉट इंडियर का मतलब असहनीय, सहन नहीं कर पाना, इंडियर और प्रिय नहीं था। ये मान लो आई स्लप, मैं रूठ गया, आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर ए होल डे, मैंने पूरे दिन उससे बात नहीं की, मैंने पार्टी मिस कर दी, यानी कि मैं पार्टी में नहीं जा पाया। ये उनके लिए भी प्रिय नहीं था कि मैं पार्टी में नहीं गया, मैं उनसे रूठ गया। स्लग का मतलब होता है रूठना। आई डिड नॉट टॉक टू हर ऑल डे, मैंने पूरे दिन उनसे बात नहीं की। इसी कॉक्स में, कॉक्स होता है लाड प्यार करना, उन्होंने मेरा लाड किया, प्यार किया, प्लेलेस मी टिल आई कम, और मुझे बहलाने की कोशिश की, मुझे खुश करने की कोशिश की, टिल आई कम टू हर मोली कोडिंग, जब तक कि मैं मान नहीं गया टू हर मोली कोडिंग, उनके लाड प्यार करने वाले तरीके से, जब तक मैं मान नहीं गया तब तक वो मुझे बहलाती रही, मेरा लाड प्यार करती रही। देन आई हग हर, तब मैंने उन्हें हग किया, एंड क्राई, और मैं रोने लग गया। पैट कम्स हर रिमार्क्स, तभी उनकी एक टिप्पणी आई, पैट कम्स यानी थपथपाते हुए उनकी टिप्पणी आई, उन्होंने मुझे एक बात बोली। 8-14, 14 साल की उम्र में ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन, कि एक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसे अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं। अब देखो इस पैराग्राफ में क्या था कि उसकी माँ ने जब उसे मना कर दिया तो वो रूठ कर, यानी कि इतना बोला था कि इतने बजे से पहले आना, तो वो पार्टी में नहीं गया, इस वजह से वो अपनी माँ से क्या हो गया, रूठ गया, नाराज हो गया। स्लग का मतलब नाराज होना। उसकी माँ बात नहीं की पूरे दिन, फिर उसकी माँ उसके पास आके उसे लाड प्यार करती है, उसका प्लेयर्स मी, मेरा क्रोध कम करने की कोशिश करती है। टिल आई कम टू हर मोली कोडिंग, यानी कि जब तक मैं उनके लाड प्यार के सामने झुक ना जाऊं, समर्पण ना कर दूं, तब तक वो मुझे बहलाती रहती है, मनाती रहती है। फिर मैं उसे हग करता हूँ, रोने लगता हूँ, तब मेरी माँ बोलती है कि 14 साल की उम्र में एक बच्चे को ये समझ जाना चाहिए कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। समझ आ गया होगा आपको। आगे देखो, दैट इज द ट्रबल, यही समस्या थी। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं बच्चा हूँ? वो कंफ्यूज है, यानी कि एक तरफ उसकी माँ ने उसे बोला कि तुम बच्चे हो, अभी खुद का फैसला खुद नहीं ले सकते, इतने बजे से पहले वापस आना है, ये मेरा अंतिम फैसला है। लेकिन आज भी उसकी माँ क्या बोल रही है कि तुम 14 साल के हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इमोशन कैसे कंट्रोल करना है। तो उसे लग रहा है कि यही तो मेरे अंदर समस्या है कि क्या मैं बच्चा हूँ और वही ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो गया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हो गया हूँ। When will my parents see clearly what I am? When will my parents, मेरे parents see, कब देखेंगे clearly, स्पष्ट रूप से what I am, कि मैं क्या हूँ? मेरे parents कब समझेंगे मुझे, कब देखेंगे कि मैं वास्तव में क्या हूँ, actually क्या हूँ मैं? Either I am a child or I am a grown up, क्या मैं एक बच्चा हूँ या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ? यानी कि मुझे ये बात तो क्लियर करे कि मैं बड़ा हूँ या बच्चा हूँ। I cannot be both at the same time, क्योंकि मैं दोनों चीजें एक ही समय पर तो नहीं हो सकता, यानी कि सेम टाइम है, तो मैं एक बच्चा भी हूँ और एक ग्रोन अप भी हूँ, तो मैं
या तो बच्चा रहूंगा या बड़ा हूंगा, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकता। मैं भी आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, या फिर शायद मैं दोनों का मिश्रण हूँ। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता। दैट इज वॉट मेक्स मी फियर सो स्केरी। यही मेरा डर है जो मुझे बहुत भयभीत करता है। यही एक डर है जो मुझे बहुत डराता है कि मैं हूं क्या, मेरी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। आई नो माई फियर विल डाई इफ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड। मैं जानता हूं मेरा डर जो है विल डाई, वो मर जाएगा इफ माई पेरेंट्स, यदि मेरे माता पिता स्टॉप ट्रीटिंग मी, मेरे साथ व्यवहार करना बंद कर देंगे लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। मुझे पता है कि जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार बंद करना बंद कर देंगे तो मैं, मेरा ये डर खत्म हो जाएगा। बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना बंद नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, क्योंकि उनके भी तो अपने डर हैं। दैट इज व्हाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ। इसी वजह से अम्मा प्रत्येक समय कोशिश करती रहती है कि आई ट्राई, मैं कोशिश करूं टू असर्ट माई सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा निश्चय, अपने आप को थोड़ा सा सकारात्मक बनाने की कोशिश करूं। मेरी माँ हमेशा मेरे को यही कहती रहती है। एट योर एज, क्योंकि तुम्हारी एज में यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लिश, यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लिश। तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण, लिश का मतलब जंजीर डालना, ठीक है, मतलब नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तुम्हारे आयु में तुम्हें जरूरत होती है कि तुम रखो अपने आप पे नियंत्रण, रखो अपने आप पर कंट्रोल रखो। इट इज फॉर योर गुड समीर, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा समीर। वी शैल टेक द लिश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वी शैल टेक द लिश ऑफ, हम क्या करेंगे, टेक द लिश, उस जंजीर को ऑफ कर देंगे, छोड़ देंगे, हम नियंत्रण को छोड़ देंगे, यानी कि कंट्रोल करना बंद कर देंगे। यदि एक बार यू आर कैपेबल, तुम योग्य हो जाओगे ये जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या लाइन है, इसका मतलब क्या, इस लाइन का कि हमने तुम पर जो कंट्रोल रखा लगा रखा है, हमने तुम पर जो जंजीर, जो लिश लगा रखी है, हम उसको छोड़ देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कब छोड़ देंगे, वंस यू आर कैपेबल, एक बार तुम योग्य हो जाओ ऑफ नोइंग, ये जानने के लिए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कि सही क्या है और गलत क्या है। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे, स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिलती। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर। फ्रीडम तुम्हारी होगी एक बार तुम महसूस करो यू आर मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या होता है, परिपक्व होना, मैच्योरिटी आना। यदि तुम एक बार परिपक्व हो जाओ इनफ टू हैंडल सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ये सही बातें हैं सारी। क्या है कि मैं मेरा फियर जान, इस पैराग्राफ में क्या था कि मैं मेरा डर जानता हूँ और मुझे पता है मेरा डर कम हो जाएगा यदि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ एज ए चाइल्ड बिहेव ना करें तो। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी डर है कि बच्चा इस एज के अंदर कुछ गलत ना कर दे। तभी उसकी माँ, तभी तो मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती है, क्या समझाती है कि तुम्हारी आयु के अंदर, यानी कि 14 और 15 एज की जो एज है, इसके अंदर आपको क्या करना है, अपने आप पर कंट्रोल करना है। और यदि आपने एक बार खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया तो हम आप पर कोई भी नियंत्रण नहीं रखेंगे। आपने ये सीख लिया कि सही क्या है गलत क्या है, आप लोग ये सीख गए कि किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, तब हम आप पर कोई कंट्रोल नहीं लगाएंगे। When will that be, I asked. तो मैंने पूछा कि ये सब होगा कब। अप्पा वॉक्स इन, तभी अप्पा अंदर आ गए। अम्मा वॉक्स अप टू हिज प्रेजेंस विद ए जेंटल नॉड। तो अम्मा ने क्या किया, वॉक्स अप एक स्नेह के साथ टू हिज प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति में जेंटल नॉड, सिर हिला दिया। यानी कि जब मेरे पापा वहां पर आ गए तो मेरी माँ ने क्या किया, मेरी इस बात के हामी भरने के लिए, नॉड का मतलब होता है हिलाना, एक हामी भरने में सिर हिला दिया। देन टेल्स मी, और तभी मुझसे पूछा, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, प्रत्येक चीज समय लेती है, यानी कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, हर चीज के लिए समय चाहिए। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल को समय चाहिए फ्रूट बनने के लिए। यानी कि फूल एक दिन खिला, वो फ्रूट बनने में उसे टाइम लगेगा, ठीक है। एक दिन में तो ये नहीं है कि पौधे के ऊपर फ्रूट लग गए, तो फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू फ्रूट, एक फूल को भी टाइम लगता है फ्रूट बनने में, फल लगने में। इट टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, आपको एक साल लग जाता है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में। आप जब एक क्लास से सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में, नाइन्थ से टेंथ में जब प्रमोट हुए तो आपको पूरा एक साल लगा है। सी ग्रिन्स, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे प्यार से समझाया,
खुशी से समझाया, अप्पा केयर्स माई आर्म्स एंड सेज, अप्पा ने मेरी भुजाओं को सुलाया, मेरी भुजाओं को पकड़ा एंड सेज और कहा, आई नो यू हैव योर फियर्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी अपने डर हैं, वी हैव अवर्स और हमारे अपने हैं, वी मस्ट फाइट अवर फियर्स टुगेदर, हमें हमारे डर से एक साथ लड़ना है, यानी कि हमारे भी डर है तुम्हें लेकर के और तुम्हें खुद को भी डर है खुद को लेकर के, तो हमारे जो आपस में डर है हमें एक साथ से लड़ना है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अवर कंसर्न, तुम्हें हमारी चिंता को समझना होगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें अवश्य समझना होगा अवर कंसर्न, हमारी चिंता को, देर आर सो मैनी टेम्पेशन टू विच ए यूथ इज ड्रॉन अप, देर आर सो मैनी, बहुत सारे टेम्पेशन होते हैं लालच, बहुत सारे लालच होते हैं टू विच यूथ इज ड्रोन, जिनमें एक युवा फंस जाता है। एक्चुअल चीज है ये कि इस एज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को, जो चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, बहुत सारे ऐसे लालच है, थोड़ा सा लालच दे के कोई भी गलत काम करवाया जा सकता है, इसीलिए पेरेंट्स का जो डर है, कंसर्न है इस एज में बच्चों के प्रति ज्यादा होता है। तो ये क्या है, देर आर सो मेनी टेम्पेशन, बहुत सारे ऐसे लालच या प्रलोभन है टू विच यूथ इज ड्रोन अप, जिसमें एक युवा फंस जाता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट देम, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस सूची के अंदर शामिल हो जाओ, यानी कि तुम भी उन बच्चों की सूची में शामिल हो जाओ जो ऐसी चीजों के अंदर फंस चुके हैं। यू नो देम नाउ, तुम उन्हें जानते हो, कम टू अस, हमारे पास आओ, टॉक टू अस ओपनली, हमसे खुलकर बात करो, लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, हमें अपना दोस्त समझो, टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, टेक एवरी एडवाइस, प्रत्येक सलाह वी ऑफर, हम ऑफर करेंगे एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, जैसे कि एक सच्चा दोस्त देता है। इसके पेरेंट्स, इसके फादर इसको क्या बोल रहे हैं कि तुम हमारे पास आओ, यदि तुम्हें ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी लालच के बारे में पता चलता है कि तुम हमारे पास आओ, हमें अपना दोस्त समझो, हमारे साथ खुलकर बात करो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है हमारे साथ शेयर करो, हम तुम्हें जो सोल्यूशन देंगे, हम तुम्हें जो बात कहेंगे वो ऐसे ही बोल देंगे जैसे कि तुम्हारा एक ट्रू फ्रेंड बोलता है, हम वही सलाह देंगे जो एक सच्चा दोस्त देता है। वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, वी इन टर्न, हम बदले में प्रॉमिस, वादा करते हैं, डू ऑल दैट, हम वो चीजें करेंगे वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, यानी कि तुम्हारा जो व्यू है, क्योंकि इस एज के अंदर बच्चों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो तुम्हारा जो व्यू है हम उसकी प्रशंसा करेंगे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, ये नहीं कि तुमने जो बोल दिया, हम ये बोलेंगे कि तुम्हें इस एज में कुछ नहीं पता, तुम ज्यादा बड़े हो गए, तुम्हें नहीं पता ये बात ऐसी होती है, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। विल यू लेट मी बी योर फ्रेंड, क्या तुम हमारे सच्चे दोस्त बनोगे, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे, ये कौन बोल रहे हैं, अमीर के, सॉरी समीर के पापा समीर को बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। मी टू, अम्मा लिफ्ट माई चिन एंड स्माइल इनटू माय आईज, मैं भी तुम्हारी दोस्त बनूंगी, अम्मा ने मेरे चिन को उठाया एंड स्माइल इनटू माय आईज, और मेरी आंखों में मुस्कुराने लगी। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली, मैंने उनकी हथेली को प्रेस किया, उनकी हथेली को दबाया एंड ग्रीन हैप्पीली, और बहुत खुशी से हंसा, बहुत खुशी से मुस्कुराया। वी आर थ्री फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, अब हम तीन दोस्त थे जो बड़े ही प्यार से बंधे हुए थे आपस में। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट द अदर्स, हम ऐसी कोई चीज कभी नहीं करेंगे जो दूसरे लोगों को हर्ट करें, जो दूसरे लोगों को परेशान करें। दैट इज इट, ये सही है, वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, आज हम डर से फ्री हैं। अप्पा जेंटली रफर्स माई करली है, अब अप्पा प्यार से मेरे बालों को, करली बालों को सहलाने लगे, यानी कि अब जा करके समीर के पेरेंट्स ने आके समीर से बात की है कि हमें पता है कि तुम्हारे अपने डर हैं और हमारे अपने डर हैं, तुम्हें हमसे आकर बात करनी होगी, खुलकर बात करनी होगी, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर करनी होगी एक सच्ची दोस्त की तरह, और हम भी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे बल्कि अप्रिशिएट करेंगे। तो अब वो तीनों सच्चे दोस्त बन चुके हैं, तो उनका जो भी डर था आज वो उस डर से फ्री है। तो ये था हमारा ग्रोइंग अप चैप्टर, टफ नहीं है, एक डर था नहीं इसके बारे में, बच्चे का डर है, पेरेंट्स का डर है, लास्ट में जाकर वो जब आपस में बात करते हैं तो उनका ये डर क्लियर हो जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, तो चैप्टर हो चुका है हमारा आज कंप्लीट।
कंप्लीट इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू.